बताया है कि करण जौहर पॉपुलर किताब द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पे बेस्ड एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में लॉर्ड शिवा के रोल में वो ऋतिक रोशन को कास्ट करना चाहते हैं और पार्वती का किरदार निभाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को कंसिडर किया जा रहा है। एक था टाइगर के शूटिंग के दौरान कटरीना कैफ क्यूबा में घूमी और काफी शॉपिंग की। कभी कभी फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान भी उनके साथ इन आउटिंग्स पर दिखे। अपेरेंटली कैट को क्यूबा से इतना प्यार हो गया है कि अब वो इस रीजन में और भी शूट करना चाहती हैं। हमने आपको बताया कि मम्मी बनने के बाद लारा अब अपना स्लिम ट्रिम फिगर जल्द ही रीगेन करने की कोशिश में है। इसके साथ साथ लारा एक बुक भी लिखना चाहती है, इलैबोरेटिंग ऑन हर जर्नी टू मदरहुड। जब सुष्मिता सेन से पूछा गया कि उनके पास एक्ट्रेस बनने की सारी क्वालिटीज हैं, पर फिर भी उनका करियर कुछ ठीक से टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाया, तब सुष ने कहा कि वो कंसिस्टेंटली अपने एक्टिंग करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, एंड दैट शी हैज नो रिग्रेट्स। शी आल्सो एडेड, आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट एक्टिंग एज एन आर्ट, बट टू बी सक्सेसफुल हियर यू हैव टू ईट, ब्रीथ, टॉक एंड लिव सिनेमा। एवरीथिंग यू डू शुड रिवॉल्व अराउंड फिल्म्स। जैसे आपको पता ही है कि प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन स्टारर एक दीवाना था कि तीन वर्जन आने वाले हैं इन हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। अब सुनने में आया है कि इन तीन वर्जन में तीन अलग अलग एंडिंग्स होंगी। इसके बारे में बातें करते हुए फिल्म के डायरेक्टर गौतम मेनन कहते हैं, नो टू मेन थिंक अलाइक, सो व्हेन इट कम्स टू केटरिंग टू माय कोर ऑडियंस आई हैड टू थिंक डिफरेंटली ईच टाइम।